तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि एक ऑब्जेक्ट है अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट आर एबव द अर्थ सरफेस। मतलब ये जो है हाइट इनिशियल सिचुएशन ये है, तो ये हाइट आर के बराबर है और यहाँ से पॉइंट ए से मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज किया हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ये जब नीचे आएगा तो ग्राउंड को हिट करेगा और हिट करने के बाद ये जो है यहाँ पर बी पोजिशन पर उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो वो वेलोसिटी हमें पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। ठीक है, तो ए पॉइंट पर अगर मैकेनिकल एनर्जी देखोगे तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच और प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू जीरो। बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बी पॉइंट पे जब हीट किया होगा और पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम ओवर आर। तो ये यहाँ से तुम वैल्यू रखोगे ये वाली, तो माइनस जी एम एम ओवर ये 2 R और यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर 2 और माइनस जी एम एम ओवर आर। तो यहाँ से एम एम खत्म हो गया, ये वाला एम, ये वाला एम, ये वाला एम काट दिया इसको। तो यहाँ से तुम देखोगे GM = GR² / 2R = V² / 2 और माइनस GM = GR² / R यहाँ से। तो यहाँ से ये एक आर को यहाँ काट दिया और एक आर यहाँ ने आर को काट दिया। तो यहाँ से देखोगे तो माइनस GRY² और प्लस यहाँ से GR = V² / 2। तो यहाँ से देखोगे तो GR/2 ये आएगा और = V² / 2 आएगा। तो 2 ने 2 को कर दिया, तो यहाँ से जो स्पीड होगा वो GR, यहाँ से जो स्पीड होगा, जो हीटिंग स्पीड होगा वो GR√ होगा। ये वाली इतनी स्पीड से हीट किया होगा, तो GR√, दैट इज सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।